Yo, what's up guys, this is your bro Dumbstone, and welcome back to Minecraft One Block Part 2. So guys, आप लोगों को पहले वाला एपिसोड में याद ही होगा कि हम लोगों ने माइनक्राफ्ट का वन ब्लॉक स्टार्ट किया था. तो गाइज, आज हम लोग इस पूरे एरिया को और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं और इसके ऊपर बनाने वाले हैं एक स्टोरेज रूम और एक फेंस जिसमें ये सारे जानवर आराम से मज़े कर सकें और मुझे भी थोड़ा सा चैन मिले क्योंकि मेरे अंदर ठोकर मारते रहते हैं यार. तो मेरा प्लान था आज एक स्टोरेज रूम बनाने का. उसके लिए मुझे बहुत सारी वुड चाहिए होगी और वुड उगाने के लिए मुझे बहुत सारी डर्ट चाहिए होगी. तो सबसे पहले हम एरिया को एक्सपेंड करते हैं. तो पहले तो बहुत सारे ब्लॉक्स तोड़ लेते हैं भाई. लगातार तीन एनिमल्स आए हैं, एक पिग, एक ये चिकन और एक वो मशरूम. हट जा यार, हट जा. तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ ये जो बर्थ प्लैंक्स हैं इससे हम लोग स्लैब बना के इस एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं पहले, और उसके ऊपर पहले बहुत सारे फेंसेस लगा के इनको पहले कैद कर देते हैं क्योंकि ये मत्था खा रहे हैं मेरा. तो ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, इससे बना लेते हैं बहुत सारे बर्च के प्लैंक्स, इससे बना लेते हैं बहुत सारे स्लैब्स. अब मेरे को देखने की मेरे पास एक वाटर बकेट होगी क्या? अरे हटो यार, तुम ना तबाही मचा रखी है मेरे वर्ल्ड में. अबे हट, अबे थे फिर गिर जाओगे. चेस्ट में यार, मेरी इन्वेंट्री में ही पड़ी है. गाइस, मेरा पता मन क्या कर रहा है कि एक बार ना मैं नीचे जाऊँ, मतलब पानी से लटक के नीचे एक ब्लॉक लगा दूँ ताकि ये जो एक पूरा प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा नीचे हो जाए, जिससे कि मेरे को ये माइन करने में भी आसानी हो और उसी लेवल पे हम फिर अपना पूरा वर्ल्ड बनाएंगे. उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? अब मेरा मन तो ये कह रहा है, पर देखते हैं करते हैं कि नहीं. काम कर जाए बस, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है. तो ये बारिश ख़त्म नहीं हो रही. बेड बेड है क्या? मैंने बेड नहीं बनाया अभी तक. अच्छा, मेरे पास वूल कब आई? ओके, लेट्स गो. ओके, मैंने यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया और यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा देते हैं. अब इतना बहुत होता है आई थिंक. इसके बाद तो मैं कर ही दूँगा, ऊपर से कर लूँगा. ओके, मिशन सक्सेसफुल. अब मुझे पता है मुझे क्या करना है. अब बस मुझे इसको ऐसे करके एक्सपेंड करते जाना है. आई थिंक इतना बहुत है, इसको लेके चलते हैं आगे. आई थिंक इतना बहुत है, इतने में सारे एनिमल्स आ जाएंगे. एक तो भाई ये रेन ख़त्म ही नहीं हो रही है, पता नहीं कितनी देर हो गई मेरे को खेलते हुए यार ये. ओके, रेन ख़त्म हो चुकी है. अभी फ्रेम मैंने बना लिया, इसको पूरा भर देते हैं. अरे यार, प्लैग्स कम पड़ गए. अब मेरे पास सिर्फ 48 ही हैं, इससे क्या होगा? अरे यार, प्लैंक्स ख़त्म हो गए, इतना एरिया भी बचा हुआ है. ये ट्री चॉप करने का टाइम आ गया है. मेरे पास 7 लॉग्स हैं, इससे बन जाएंगे 28 प्लैंक्स. 30 से बन जाएंगे 60. दैट्स नाइस. तुम ना यहाँ मत चढ़ो, गिर जाओगे, फिर कहीं गिरोगे, मरोगे. थोड़े दिनों में बस, मतलब थोड़ी देर में तुम लोग यहाँ पे होगे. A few moments later. तो गाइज, एज यू नो, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, तो मेरे प्लैंक्स फिर से खत्म हो गए यार. अब एक ही तरीका है, और पेड़ उगाने पड़ेंगे और इसको बोन मिल कर देते हैं. चलो, एक पेड़ तो आ गया. तो दोनों ट्रीज काटने के बाद मुझे मिले हैं 14 लॉग्स और इसके बन चुके हैं 56 प्लैंक्स, और अब मेरे पास हो चुके हैं 64 और 44 स्लैब्स. ओके, तो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और मैं सोच रहा हूँ अगर ये बन ही गया तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे फेंस लगा के इनको कवर कर देते हैं और इनको डाल देते हैं. तो फिलहाल अब इतने से ही बनाए हैं मैंने, इतने से मैंने फेंस लगाना स्टार्ट कर देता हूँ यार. अभी सबको एक ही जगह पे डाल देते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा सबको अलग अलग में डालेंगे. तो देखो, मैंने सारी जगह फेंस लगा दिया है, अब इनको भरना स्टार्ट करते हैं. तो इन चारों काउज का जुगाड़ तो कर लिया मैंने किसी तरह, अब इनको लेके आते हैं. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अब पूरी ज़िंदगी यहीं बैठे रहना, हिलना मत. मैं कैसे निकलूँगा? तो अब तुम दोनों का क्या काम है भाई, तुम दोनों कैसे लेके जाएं? एप्पल खाते हो तुम लोग? खिला के देखें. एप्पल से तुम नहीं, एप्पल से अट्रैक्ट होते नहीं. एक भी वॉन्डरिंग ट्रेडर भी नहीं आया यार. एक आध वो आ जाता तो उसको मार के हम उसकी लीश ले लेते. तो हमारा प्लान था एक फेंस बनाना, जो कि हमने बना लिया है. अभी हम सोच रहे हैं कि, मतलब हम कौन, मैं अकेला ही सोच रहा हूँ कि इसको इस साइड ले जाके एक बड़ा सारा स्टोरेज रूम बनाया जाए. वो शीप भी आ गई भाई,
चल आ जा। पर यार ये तो ड्रामा रह जाएगा, मेरे को एक गेट बनाना ही पड़ेगा। ये लगाया मैंने डोर, और कहाँ गई वो उन्हीं नहीं ये रही। आ जा, ये तो आ गई। अब बंद रहो दो मिनट, अब इधर आओ, मेरे पास एक ट्रिक है, इनको सबको बुलाओ, जल्दी ये चेंज करो, भाग जाओ। भाई साहब दो ब्लॉक तोड़े हैं, एक और मशरूम भी आ गई। अब देखो मैंने 5 मिनट ये ब्लॉक्स तोड़े होंगे, और देखो यहाँ पे कितनी संख्या बन चुकी है। भाई साहब गाँव की देखो कितनी जनसंख्या बना ली मैंने। तो फिर मैं ये चीज़ें कर ही क्यों रहा हूँ, क्यों ना एक मिल्क फैक्ट्री खोल लें, मिल्क बेच बेच के ही बना लेंगे बहुत सारे पैसे, फिर ब्लॉक्स खरीद के अपना घर बना लेंगे। ओ तेरी फेस चेंज हो गया, नई चीज़ आ गई भाई साहब, अब नई बायोम आएगी। 6 5 4 3 2 1 अभी कुछ होगा तो नहीं ना। अबे व्हाट हैपन, ओके केव, सेकंड बायोम का नेम है केव, यानी कि अब हमको बहुत सारा स्टोन मिलने वाला है, इनफाइनाइट स्टोन मिलने वाला है। अबे ड्रिप स्टोन से स्टार्ट हो रही है ये चीज़ से। अबे ये क्या हो गया, अबे ये क्या हो गया, पहला ज़ॉम्बी इस दुनिया का। अच्छा भाई अच्छा प्लीज़ अच्छा, तो मैं सोच रहा था क्यों ना जो चीज़ वहाँ पे की थी पानी के साथ वो यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कुछ बनाना है। तो लेट्स गो ट्राई करते हैं, तो आओ चलते हैं। अबे मैं गिरा मत देना भाई प्लीज़ 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 प्लीज़, ये चीज़ हमने ऐसे कर दी। यस अब मेरी बात सुनो, ये ऐसे करती परफेक्ट। अरे खुदा भाई गिरेगा 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 गिरेगा, बच गया। अब वही चीज़ रिपीट करनी है। अबे ये बनाते बनाते ये क्या हो गया साइड में, ऐसी तैसी मच गई भाई। हाँ भाई क्या हुआ, और सॉरी सॉरी यार, किसने बुलाया तुमको, किसने बुलाया तुमको, किसी ने भी बुलाया। और एक तो ना ये मेरी गाय भी पागल है, सारी मत्थे पे घुस पड़ी, यहाँ की घूम रहे हो तुम, वहाँ जाओ ना आके भुज गए। मरो 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 गाइस, मेरे पास ना एक ये स्प्रूस सैपलिंग है, और इसको मैं यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। प्लांट करने के बाद तो फिर ये जब उग जाएगा फिर मुझे मिलेंगे इनफाइनाइट स्प्रूस सैपलिंग्स, एटलीस्ट ये भी मेरा बढ़िया काम हो जाएगा। तो गाइस फाइनली मैंने इन ट्रीज़ को बोन मिल से उगा के उनके स्लैब्स बना के वो वाला एरिया कंप्लीट कर लिया है, और इसके ऊपर हम लोग बनाने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक स्टोरेज रूम, जो कि मेरे को आराम से बहुत सारे आइटम्स को स्टोर करने में मदद करेगा। और देखो अभी भी कितने सारे जानवर बाहर घूम रहे हैं। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है, और इतनी छोटी वीडियो में कुछ खास प्रोग्रेस हो नहीं पाती है, बट मैं ट्राई करूँगा कि ऑफलाइन इसको खेल के विदाउट रिकॉर्डिंग इसको खेल के थोड़ी सी तो प्रोग्रेस कर ही दूँ। ऑब्वियसली गाइज मैं कोई भी मेजर अपडेट जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनाना, कोई भी बिल्ड बनाना विदाउट रिकॉर्डिंग तो नहीं बनाने वाला। मैं कोई भी चीज़ बनाऊंगा तो वो रिकॉर्डिंग तो करूंगा ही, लेकिन एटलीस्ट मैं रिसोर्स इकट्ठे करने के लिए तो मैं ऑफलाइन खेल ही सकता हूँ। तो गाइस अब से मैं विदाउट रिकॉर्डिंग भी कुछ तो खेलेंगे ज़रूर, और नेक्स्ट बार जब आप वीडियो देखने आएंगे तब ये एरिया और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एक स्टोरेज रूम। और गाइस अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स यार, दिल से थैंक्स, और जल्दी से लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको देखना है कि मैंने क्या किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो की स्टार्टिंग भी बारिश के साथ हुई थी और एंडिंग भी बारिश के साथ हो रही है। बाय बाय।